शहनाज ने पढ़ाई कहाँ तक की है? नहीं, शहनाज ने पढ़ा नहीं, इस्लामी पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा है, बाकी स्कूलिंग नहीं पढ़ा है। जी नहीं। अभी वहाँ पे चैनल है यूट्यूब पे शहनाज व्लॉग्स, फेसबुक पे भी पेज है शहनाज व्लॉग्स के नाम का, इंस्टा पे आईडी है मेरी शहनाज अख्तर। मतलब जो मतलब मेरे पास यहाँ आ नहीं सकते वो मेरी हेल्प करना चाहते, मैं किसी को अकाउंट नंबर अपना तो शेयर नहीं कर रही हूँ। हम इतना बोलूंगी जो भी मेरे सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह हैं आप उन पे मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए और वो जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज हो जाए। सोशल मीडिया के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी? जी जी, मैं एक साल से हूँ लेकिन उधर पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अभी तक मोनेटाइज मेरा चैनल नहीं हो रहा है। तो लोग इस तरह की वीडियो डालते हो अपने यूट्यूब? मैं मतलब जो डेली व्लॉगिंग होती है वही लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको अगर अच्छी भी नहीं लगती है वीडियो तब भी चला के रख दिया करो, जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए। अच्छा। सब्सक्राइबर मेरे 12,000 हो गए हैं बस। हाँ जी, बस ये चाहिए कि मेरा वहाँ पे वॉच टाइम कंप्लीट करवा दे, टोटली 1500 हुआ है। अच्छा, बाकी 2500 चाहिए मुझे अभी। लोगों से गुजारिश है कि शहनाज व्लॉग्स जो इनका यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो देखा करें। इनका कहना है हम डेली व्लॉग बनाते हैं। दूसरी शादी करने के बारे में आपने नहीं सोचा? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी करके क्या ही करना है, विश्वास खत्म हो गया शादी करके। जब पहली शादी में कुछ नहीं मिला तो दूसरी में क्या मिलेगा। इस टाइम ऑफर्स वगैरह बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने यहाँ पे मैरिज ब्यूरो नहीं खोला है या shaadi.com नहीं है। यहाँ पे आप कह रहे हो मैं इंसान हूँ, जो मुझे करनी होगी मैं अपने जैसा कोई लड़का ढूंढूंगी जो मेरी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, जो मैं उसे चाहूंगी वैसा होगा। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शहनाज अख्तर जी, जो यहाँ पर जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जूस बेचने का काम करती है। आखिर एक खातून को क्या कुछ मजबूरियाँ पड़ी जिसकी वजह से इन्हें जो है जूस बेचने पर मजबूर होना पड़ा, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका ताल्लुक बेसिकली है कहाँ से और ये कब से ये काम करे। बहुत शुक्रिया सर, आप इधर पे आए इतनी कड़ी धूप में, पता नहीं कितने दूर से आए होंगे मेरे लिए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अच्छा, आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं और आप कब से ये काम करें? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, विलेज मेरा महाकुंड है और मैं यहाँ पे रह रही हूँ जम्मू में 10 साल से। 10 साल से? हाँ जी। इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मैंने काफी सारे काम किए, अखरोट मंडी में काम किया, जैसे नरवाल में अपनी फ्रूट मंडी है ना, अखरोट तोड़ाई का काम किया, शोरूमों में काम किया, होटल में काम किया, शादियों में जो पार्टियां वगैरह लगाते हैं हलवाई का काम करते वो भी किया, सोशल मीडिया पे भी काम किया, सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिला। तो आखिर करके मैं 3-5-6 महीने से बेकारी बैठी हुई थी नौकरी छोड़ के। अच्छा। तो मन नहीं करा था कुछ करने का, फिर मैंने सोचा कि काफी कर्जा भी हो गया है तो कुछ करना चाहिए, सभी काम ढूंढे, नौकरियां भी ढूंढी, 7-8 हजार से ऊपर कोई दे नहीं रहा था। अच्छा। मैंने कहा फायदा ही नहीं है कोई, जब इसमें किराया भी नहीं निकलेगा तो फिर ऐसा काम करके क्या फायदा। आपकी शादी हो गई है शहनाज जी? जी, डाइवोर्स हो गया है काफी साल पहले। अच्छा। हाँ जी, तो फिर मैंने अपना ये छोटा सा एक सेटअप लगाया यहाँ पे, मैंने कहा चलो गर्मियाँ भी हैं तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, और आप जम्मू में जो है रेंट पर रहते हैं, अपना घर आपका? नहीं सर, मैं यहाँ रेंट भी हूँ, अपना घर पता नहीं कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा। अच्छा। उसका कोई कंफर्म नहीं, मेरा खुद का घर नहीं है, मैं यहाँ रेंट पे हूँ, कहीं पे भी मेरा खुद का घर नहीं है। बस आपकी शादी हुई थी तब तो आप ये काम नहीं करते? मैंने उस टाइम पे भी मजदूरी की है क्योंकि वो नहीं देते थे खर्चा, वो नशा वगैरह करते थे, वो सारा उसी में उड़ाते थे, या जो पैसा कमाया उनके घर वाले उनको बोल के वो ले जाते थे, उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया मुझे, कोई कुछ नहीं दिया। तो मैं तब भी खुद का काम ही करती थी, तब भी मैंने अपना खर्चा ही उठाया, या फिर लोगों के घरों में, जैसे या मैं अपने बाप के घर में हूँ या पुफी के घर में, मासी के घर में, फिर उनके घरों में भी तो काम करना होता है, काम करके वहाँ पे भी मैंने पेट पाला है। जब से शादी हुई है तब से स्ट्रगल ही किया, मानो माँ मर गई तो सारा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपको जम्मू में किसने लाया था? सबसे पहले मैं उसी के साथ आई थी, जो मेरा हस्बैंड था उसी के साथ आई थी। तो उसने आपको काम करने की इजाजत दे दी यहाँ पर? जब वो खर्चा ही नहीं दे रहा था तो उसको इजाजत देने या न देने का क्या फर्क पड़ता था, एतराज भी उसको कोई नहीं था आपके काम से? एतराज करने का तब इंसान फायदा करेगा ना जब वो खुद से देगा, खर्चा देगा या रूम रेंट देगा, या उसको पता होगा मेरे साथ में कोई बंदा है मुझे उसको देना है। जब वो उसको पता ही नहीं था तो वो क्या एतराज करता, उसको पता था ये कुत्ते की तरह खुद से काम करती अपना खर्चा चलाती है तो मेरा क्या जा रहा, वो तो अपना नशे पत्ते में ही उड़ा देता था। तो उसको आपकी कोई फिक्र नहीं थी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? नहीं सर, वो बोलते ना दी हुई टांग कुत्ता भी नहीं खाता है, तो वही बात थी मेरी, जबरदस्ती शादी करवाई थी तो फिर होना ही था उसको। जबरदस्ती घरवाल में शादी करवाई थी आपकी?
जी जी उन्हीं के उसके डैडी ने फोर्स किया था मेरे बाप को, काफी ज्यादा प्रेशराइज किया था, तो डिवोर्स देने की वजह क्या रही है? बच्चे नहीं होने। अच्छा हाँ जी ठीक ठीक। तो अब यहाँ पर जो है गर्मी में आप ये सब काम कर रहे, कितना मुश्किल हो रहा है एक लेडीज को ये सब संभालना? सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे इंसान गर्मी से पागल हो जाता है, सर में इतनी ज्यादा दर्द होती है, आप देख सकते हैं कितनी शरीर वाली गर्मी, अभी तो कोई है ही नहीं, अभी देखो आगे आगे कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, लेकिन क्या करना है, अब करना तो पड़ेगा, अगर काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलाऊंगी। जी अपने आप को ये सब बातें सोच करके मेरे साथ ये सब हुआ तो कितना मुश्किल होता अपने आप को संभालना अकेले में, कोई साथ में भी नहीं है? बहुत सर, मैं चारों तरफ से आपने देखी हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है मेरे साथ में, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, और उसी अपनी माँ की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ तक चला रही हैं, अदरवाइज जैसे लोग कर रहे हैं मेरे साथ में, जैसे रिश्तेदारों ने किया उस हाल से तो कुछ भी नहीं था, उस हाल से तो इंसान, रिश्तेदारों ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की? किसी ने नहीं की, अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं मेरी सपोर्ट की, कोई भी बंदा बता दे मुझे। अगर आपके भाई हैं? कोई भाई हैं मेरे, दो बहने हैं, बहने हम पांच हैं, तीन बहने और हैं, उनकी शादी हो गई, एक छोटी बहन वो घर पे ही है अभी। अच्छा हाँ जी। तो उनकी तरफ से भी आपकी फैमिली वाले ने जहाँ पर आपकी शादी हुई थी उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया? अरे सर कौन करेगा, अल्लाह के सिवा जब वसीला कोई ना हो तो कोई नहीं किसी को पूछता है। आपके भाई वगैरह उन्होंने पूछा आपके बारे में? नहीं सर वो नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, वो छोटे हैं मेरे से, छोटे हैं। शादी तो हो गई है ना? हाँ एक की शादी हो गई है। अच्छा हाँ जी। तो उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है इतना? नहीं 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 वो किसी ने नहीं किया। अच्छा हाँ जी। तो इतना सब काम कर रही हो आप संभालते कैसे हो, मतलब यहाँ से शाम को रेडी लेके जाना सुबह लेकर आना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मैं 8 बजे यहाँ रेडी बांध करने लगती हूँ, पानी लाना, फिर ये पूरा मशीन है धोनी, जग वगैरह पूरा धो के। ये सब आइडिया कैसे दिमाग में आया, ये जूस बेचने वगैरह? ये फिर क्या करती, गर्मी थी, मैंने सोचा बाकी कहीं से अच्छी दिहाड़ी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, तो सोचा पहले फ्रूट लगाऊंगी या सब्जी लगाऊंगी, लेकिन वो नहीं बन नहीं पाया क्योंकि इस टाइम पे गर्मी है, वो चलना नामुमकिन है, तो फिर मैंने सोचा ये जूस का चलेगा। इसके पीछे भी मैंने कम से कम 1 महीना लगाया जगह ढूंढने में, हाँ जगह ढूंढनी, सामान इकट्ठा करना, मशीनें वगैरह वगैरह, पता भी नहीं था, कभी किया भी नहीं है ये काम। तो ये सब सामान जो आपने पैसे का खुद ही लिया? जी जी वो अपना पूरा लिया है, ये आइस बॉक्स और छाता जो है ये किसी ने, देश गुप्ता ने मुझे छाता दिया था ला के, और उसके बाद जिन्होंने ये आइस बॉक्स दिए उन्होंने मना किया मीडिया में बोलने का, हाँ एक सर आए थे उन्होंने ये वाला दिया था, बाकी जो आइस बॉक्स दो दिए वो एक इधर बेचारा रहता मच्छी मार्केट में, उन्हीं से मैंने रेडी बनवाई है। अच्छा, अच्छा। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफी सॉरी कहा मेरे से, जब मैंने वहाँ पे रेडी बनवाई थी ना तो काफी टाइम लगा था, दिवाली का टाइम था उस वक्त, तो 5-10 दिन लगे थे, वो कहने लगे उस दिन मुझे फोन करके, मैडम हमें पता नहीं था सॉरी हमें माफ करना, मैंने कहा कुछ नहीं होता अब क्या बोले इंसान, बोला आपने बोला होता ऐसे ये प्रॉब्लम है तो हम कभी ना इतना रुकाते, अभी तो वो मुझे कहते जो भी आपको चाहिए आप आ जाओ मेरी दुकान से उठा लो, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आइस बॉक्स दिया था पहुंचा के, वो वाला दिया था, कोई आए थे भैया यहाँ पे जूस पीने के लिए उन्होंने ला दिया। कितने का ये सारा सामान पड़ा आपको, ये मशीन पड़ी, ये आइस बॉक्स वगैरह, ये सारा कितना? आइस बॉक्स का तो आइडिया नहीं है, ये किसी ने ला के दिए, बाकी जो मैंने अपना मशीन वगैरह जो भी जितना सेटअप फर्स्ट डे मैंने किया था 20-25 हजार में मैंने ये किया था तैयार करना। इससे पहले आप क्या करते थे जब आप ये सब काम नहीं करते, इससे पहले कितना टाइम आप फ्री जो है अपने रूम में बैठे थे? मैं जनवरी से फ्री बैठी थी, तो अभी ये फर्स्ट मई को मैंने लगाई, हाँ जी शुरू किया, काफी स्ट्रेस में थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं, कई बार तो मन कर रहा था इसे अच्छा है कि अकेले ही वो 2 महीने भी अपने रूम पे बताए? हाँ 2-3 महीने अकेली रूम पे ही थी, अपने रूम का रेंट चल रहा है? हाँ जी अभी भी मैंने देना है रेंट, अभी दिया नहीं है, अभी वहाँ पे भी 2 महीने का रेंट देना है उनको। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मकान मालिक ऐसे वो तंग नहीं करते मुझे किराए के लिए, फोर्स नहीं कर रहे, वो कहते हैं ठीक है जब बनेगा आपसे तो दे देना, तो अब धीरे धीरे से बन जाएगा यहाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी, इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो देखी होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी लोगों से गुजारिश है कि शहनाज व्लॉग्स जो इनका यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो देखा करें, इनका कहना है हम डेली व्लॉग बनाते हैं, कहना है कि मुझे कुछ लोग जो है वो अभी ऑफर भी कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी उस लड़के से जो मेरी इज्जत करेगा, क्योंकि इनने पहली जो शादी की थी वो इनका हस्बैंड जो है इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इनकी कदर नहीं करता था, जिसकी वजह से शहनाज को आज कड़कती धूप में जम्मू के अंदर ये जूस जो है वो बेचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इनका कहना है कि मैं जब से शादी मैंने की है उसके बाद मैंने आज तक लाइफ में स्ट्रगल ही किया है। आप लोग क्या कुछ आया है आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।